लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अबे ओ सोल्जर, थारे से ना पट रही है प्रीति जिंटा। साले कोसड़ी बे, थारे में भाई ग्रेविटी ना है। बहन के इतनो पार्ट तो मने भी पढ़े हो साइंस का, ठीक है? ग्रेविटी धरती पे हुआ, समझा? तो पूरा भी पार्ट पढ़ ले, तो आधा पढ़ के कहीं छोड़ दियो। न्यूटन बाबा कहे हैं ग्रेविटी हर इंसान में हुए है, जिसमें जितना मास उसमें उतना ग्रेविटी। चुप रह। अच्छा प्रैक्टिकल देखे को? काय का प्रैक्टिकल? तू वहां जाके लड़की ने प्रपोज करके आ। जिस दिन थारा भाई प्रपोज करेगा ना, खून से चिट्ठे लिखेगा, खून से। हाँ बस ये डींगे मार ले। अच्छा चल, दोस्ती के लिए बोला। अरे थाने दिखाता हूँ मैं, इंसान की ग्रेविटी दिखाता हूँ। चल यो तो मैं कर ही सकता हूँ। मारिस तो कुछ बोला ही ना क्या? हाथ पैर सारे भारी भाई, 50-50 किलो के तो पैर हो गए। यही सच्चा प्यार है? सच्चो प्यार ना है, ये छोरी को असर है, या है छोरी की ग्रेविटी, अब समझा? मंजले उठ भैया, आ गए। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। साइंसी बाय कोसी इक्वल टू टेंसी। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। दो दिन से हल्दी घाटी पार नहीं हो रही तुझसे, आईएस कैसे पार करेगा तू? घोड़े ने भी एक बार में पार कर ली थी। अरे भैया वो घोड़ा था और तू गधा है। भैया वन बाय कोसी को, और तू गणित भी कोई रट्टा मारने की चीज है? ऐसे सिलेक्शन होगा आईएएस में? पर भैया मैं तो आईटी कर रहा हूं। पर हो का रहा है तुझसे? ठीक से उच्चारण करो जी। वो सेक्सी सेक्सी नहीं होता है, वो होता है सेक्सी सेक्सी। क्या होता है सेक्सी? नालायक, शाखा प्रमुख के भाई हो तुम लोग। तुम जैसे युवा रहे ना तो हो गया राष्ट्र निर्माण। अबे हेलमेट तो उतार घूंचू, उसमें पतो कैसे चालू हो कि चिट्ठी तूने फेंकी है। और ठीक से फेंकना, एकदम पास जाके। हाँ चल फेंक। यार हम लोग साथ में सेम स्पीड पे ना चल रहे ना, बस थोड़ा आगे तेज चल रही है तो उसका थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, तो तू आगे वाली खिड़की पे फेंक। अब बहन के न्यूटन ज्ञान ना खोद तू, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं फेंकता हूँ। देख उठाई कहीं? अरे क्या मैं उड़ के देखूं? साइड में ले, आगे ले। माय डार्लिंग प्रीति झिंटा, हरामखोर, मेरी बेटी को सेटा है, पहले धोना सीख फिर जितने ले। ये ले मेरी तरफ से तेरी माँ को दे देना। और साला रुकता तो क्या बात? और तू, तुझे पूछ रहा हूँ, जानती है उस लफंडर को? हाँ भाभी देओल समझते अपने आप। चुन्नी ठीक कर, चुन्नी ठीक कर। और कितनी बार कहा इस आवारा के साथ मत घुमा कर। भाई साहब बच्ची को क्यों डांट रहे हो? इतनी ही फिकर है तो शादी करवा दो इसकी। गलती मारे से हो गई बहन जी, बचपन में इसका ब्याह करवा के।
और वो लड़का भी कम नहीं है, 3 साल से जख मार रहा है IIT के नाम पर, अपने बड़े भाई की इज्जत दुबा रहा है वो। अरे बड़े भाई शहर के प्रमुख है, और बहन जी हम भी जो कर रहे हैं इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ससुर हमारी किस्मत मतलब वाल लड़की थारे बचपन की है? अरे यार देवर भाभी भाई एक बात बोलूं, बॉबी कसम मारे दिल में आज तक भाभी के लिए गंदो ख्याल लिया हो। सोड़े यार मारे को कहीं मालूम था यार। चल अब कल ही थारी लव स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ना होगी। क्या उसके बाप ने शर्त रखी थी? बात तब की है जब मैं 8 साल का था, पूरे गांव में अकाल पड़ा था, सब सूख गया था और पूरा गांव इस अकाल इस मनुष्यत का कारण मन्ने मानता था। साहब जाने जब से यह अकाली पैदा हुआ है थारे और थारे ढाणी के आसपास के सारे कुएं और बावड़ी सूख गए। क्यों लोगो सच बोलो? पूरा गांव मन्ने गांव से बाहर निकालने पे तुला था और मारे दद्दा मारे दद्दा मन्ने बचाने पे। कोई क्या सुना मारे को? मारे पुरखों ने मारे आंगन में सोने की सिल्लियां गाड़ रखी हैं। सोने की सिल्ली? वाह खोद के निकालूंगा, उससे बड़ी सी बावड़ी बनाऊंगा जिसमें तुम और तुम भी मुफ्त में प्यास बुझाएंगे। आसपास के सारे लोग जो प्यासे हैं मुफ्त में प्यास बुझाएंगे, मैं सौगंध खाता हूं। मारे घर में खुदाई चालू हुई और सब इसी उम्मीद में थे कि धन निकलते ही पूरे गांव का अकाल दूर हो जाएगा, पर तभी अचानक ये अकाली के छुड़े से कोयला बन गयो। खबरदार अपने पाप का ठीकरा मारे पोते के सर पे ना फोड़ो, इस अकाल के हम सब भागी हैं। और ठीकरा मारे पोते के सर पे जाओ 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 ना निकालने को जाओ, सोने की सिल्ली भी ना निकलेगी जाओ। अरे रामकरण जी माफ कर दो, भूल हो गई छोरा से। रे मारे आंगन में मारे पोते को बकाली कह रही है। रामकरण जी पागल है, ऐसा अनर्थ मत करिए, गांव वालों ने बड़ी आस लगा रखी है थारे से। आपने जो इन गांव वालों पर एहसान किया है वो बहुत बड़ा है, ऐसे देवता पुरुष के घर में अकाली कैसे पैदा हो सकता है? आज इन दोनों गांव वालों के सामने मैं अपनी बेटी की सगाई आपके पोते अशोक के साथ करना चाहता हूं, अगर आप मंजूरी दे तो। और ऐसे हमारी जिंदगी में आयो मारो प्यार मारी रीना। सज्जन सिंह जी बिहारी तैयारी कीजिए, पानी आते ही लेने आएंगे हमारी बिंदड़ी को। खुदाई फिर से चालू हुई पर कुछ नहीं निकला। कटे है दन कुछ तो बोल। लोग लाज शर्म और दुख के मारे मारे दद्दा ने फांसी लगा ली, जैसे तैसे मारे बाबा ने रस्सी काटी और मारे दद्दा की जान बचाई। पर गांव वाले बाबा जो धन गए को वापस लाने को कोई उपाय? गांव वालों को तो बस धन चाहिए था, इसीलिए तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने उपाय सुझाया कि जो आदमी अहम धनास्मी बोलते हुए जमीन में गड़ जाएगा अगर कोई आदमी अहम धनास्मी वो 3 दिन बाद खोया हुआ धन लेकर वापस आ जाएगा। उपाय तो तांत्रिक बाबा ने सुझा दिया था पर गड़ता कौन, उल्टा पूरा गांव मारे घर वालों का दुश्मन हो गया, हमें पानी देने से भी मना कर दिया। अभी भी कह रही हूँ सामान बांध के शहर चलो, कम से कम 2 टेम रोटी तो चैन से खाएंगे। पुरखों की जमीन छोड़ के मले नहीं जाना कठिन। नहीं जाना कठिन तो पड़े रहो दोनों बाप बेटे, या सोने की सिल्ली की आस लगाए और इतनी गांव वालों की फिक्र है ना तो मन नहीं गाड़ दे टट्टू।
और उस दिन मर्यादा उस दिन हमारी माँ के मुंह से भी निकल ही गया कि वो एक अकाली की माँ है। और उधर रीना, अब मैं थारी बीनड़ी कोनी अशोक। क्यों? बापू कहे हैं थारे दादा गांव में कदी पानी ना ला पावे को, फिर मैं थारे घर ना आ सकूंगी। रीना, तू मन्ने अपना पति माने है ना, तो मैं जो कहूंगा करेगी? जो 3 दिन तक जमीन के अंदर गड़ेगा, धन के साथ साथ वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उस धन से हमारे दद्दा एक बड़ी सी बावड़ी बनवाएंगे और तुम सबको मुफ्त में पानी देंगे। फिर उस तंबू के पास किसी को पानी लेने ना जानो पड़ेगा। चलो मिट्टी डाल वो शुरू करो। कौन सी तिजोरी का ताला तोड़ के जा रहे हो तुम लोग? दद्दा दद्दा, अशोक ने रीना को गड्ढे में गाड़ दिया। उधर उधर रीना, तू अपना हाथ दे, चल घर चला, मना ना खेल लो ये खेल। अशोक, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी ना। अशोक अशोक, फिर तेरे दादा बड़ी सी बावड़ी बनवा देंगे ना, जब पानी आ जाएगा हमारी शादी हो जाएगी। अशोक ना रीना, तू जल्दी से बाहर आ, चल घर चलते हैं। अहम धनास में, अहम धनास में, अहम धनास में। रीना तू डरे मत, मैं थारो पति हूँ, मैं थारे को कुछ नहीं होने दूंगा। तू अठाई रुक, मैं जल्दी से फावड़ा लेके आता हूँ। रीना मैं निकालो, निकालो, निकालो। कोशिश करो, मैं कोशिश करो, तू भी कोशिश कर, मैं निकालो। अरे पकड़ लो ना चंडाल ने, अरे धन की लालच में अपनी बहू ने गाड़ने चले तो चंडाल। ये गांव की भलाई की खातिर या पंचायत फैसलो करे है कि अशोक वल्द हरि नारायण को अकाली घोषित करे है और गांव से गांव निकालो देवे है। और रही बात ही अकाली के ब्याह की, तो सज्जन सिंह थारी छोरी रीना को ब्याह इस अकाली से तभी हो सके है जब यो गांव में पानी लावे। और मारी उस नादानी ने रीना को मारे से छीन लिया।